नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है और कुछ ऐसी खबर से जुड़ा हुआ है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कुछ ही महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी और उस मामले की जांच के बारे में ही आज का हमारा ये वीडियो है। सीबीआई की जांच हो रही थी, अभी तक सब जांचें हो रही है, लेकिन अभी तक असली जो मामला है, असली जो चीज़ है, वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि किस कारण सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम उठाया था। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें और सच्चाई का साथ दें और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हाँ, आज न्यूज राजस्थान में सभी का स्वागत, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुशांत मामले में ड्रग्स की जांच हो रही है। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से नारकोटिक्स ब्यूरो पूछताछ कर सकता है। रिपोर्ट में दावा है कि रिया ने दोनों के नाम लिए थे। जी हाँ, रिया को नारकोटिक्स ब्यूरो ने दो दिन की पूछताछ के बाद 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया मुंबई की बायखला जेल में है और उनकी जमानत अर्जी 2 बार खारिज हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स केस में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को इसी हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB दोनों को समन भेज सकता है। बताया जा रहा है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में श्रद्धा और सारा के नाम लिए हैं। NCB ने रिया को 2 दिन की पूछताछ के बाद 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वे मुंबई की बायखला जेल में हैं। अब आपको बताते हैं कि ड्रग्स केस में रिया समेत अभी तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो रिया की जमानत अर्जी 2 बार खारिज हो चुकी है। उन पर आरोप है कि वे सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करती थी। ड्रग्स केस में NCB ने रिया और उनके भाई सोविक समेत अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सुशांत के स्टाफ के लोग और कुछ ड्रग्स पेडलर भी शामिल है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा रिया के व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद हुआ था। चैट में ड्रग्स खरीदने की बातचीत पता चली थी। जी हाँ, ड्रग्स केस में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल है और रिया अभी मुंबई की जेल में है। जी हाँ, अब इस वीडियो के बीच में चलते चलते हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या रिया को सलाखों के पीछे डालना सही है? क्या बॉलीवुड में वास्तव में ड्रग्स का खुलेआम कारोबार हो रहा है? क्या बॉलीवुड सारा इस ड्रग्स जगत से जुड़ा है? अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि रिपोर्ट्स में दावा है कि रिया ने NCB को 25 सेलिब्रिटी के नाम बताए हैं। बड़ी खबर, बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया ने श्रद्धा और सारा समेत बॉलीवुड के 25 सेलिब्रिटी के नाम NCB को बताए हैं। इन पर ड्रग्स लेने या ड्रग्स के नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। जी हाँ, अब सुशांत की पूर्व मैनेजर से पूछताछ जारी है। एक्टर की मैनेजर रही श्रुति मोदी से NCB की टीम आज सवाल जवाब कर रही है। एक्टर की टैलेंट मैनेजर रही जया शाह को भी बुलाया गया है। पिछले हफ्ते NCB की टीम एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से श्रुति और जया से पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी। जी हाँ, अब तक की बड़ी खबर यह है, सुशांत केस में ड्रग्स के मामले की जाँच हो रही है। ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और रिया ने जिन बड़े एक्टरों का नाम लिया है, उन सभी एक्टर्स का खुलासा हम आपके सामने बहुत ही जल्द करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक की बड़ी खबर यह थी। आज की हमारी ये वीडियो सीरीज अभी शुरू हो गई है। इस मामले में बड़ी और अन्य जो खुलासे हो रहे हैं, हम आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, ऐसी हमारी आशा है और ऐसे ही मैं मानूंगा कि आपकी आशा है। तो ऐसी आशा के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बड़ी खबर के साथ, और अगली वीडियो में हम आपको उन सभी बॉलीवुड एक्टर्स के नाम का खुलासा करेंगे जो ड्रग्स के मामले में शामिल है। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।